हमारे वीडियोस को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाएं तथा निरंतर वीडियो अपडेट पाने के लिए बेल आइकॉन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें। द एडमिनिस्ट्रेटर अकेडमी द्वारा भोपाल मध्य प्रदेश में क्लासरूम प्रोग्राम संचालित है। आप यूपीएससी एमबीपीएससी एमपीएसआई कांस्टेबल तथा व्यापम की तैयारी हेतु दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं तथा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लेक्चर्स नोट्स की जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर आदित्य और आपका स्वागत करता हूं द एडमिनिस्ट्रेटर अकेडमी की करंट अफेयर सीरीज में। दोस्तों, करंट अफेयर की हमारी इस सीरीज का जो लक्ष्य है वो यह है कि परीक्षा के लिए जो लक्षित मुख्य न्यूज प्रतिदिन हो केवल उसे ही हम टारगेट करें। यह द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, उसके बाद हमारा जो जनसत्ता है, उसके बाद दैनिक भास्कर है, इन सभी प्रमुख अखबारों की मुख्य मुख्य खबरों को लेकर मैं आपके पास आया हूँ। दोस्तों, आपको एमपीएसआई टेस्ट सीरीज जो है वो हमारे द्वारा फ्री दी जा रही है। एमपीएसआई कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसमें भी 200 क्वेश्चन होंगे, बिल्कुल एमपीएसआई के पेपर के पैटर्न पर, जिसमें 30 अंग्रेजी, 70 हिंदी और बाकी जीके एवं मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे। उसी पैटर्न पर है, आपकी रैंकिंग भी इसमें दिखाई जाएगी और सारी बातें आप वेबसाइट पर जाकर देख पाएंगे। 10 अगस्त से यह जो है टेस्ट सीरीज अवेलेबल होगी। आप अगर जल्दी सब्सक्राइब करते हैं तो आप फ्री में इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज की पहली खबर को देखते हैं दोस्तों। वह देश जिसने जिबूती में अपना नौसेना अड्डा स्थापित किया है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि अफ्रीका में ऐसा एक क्षेत्र आता है इस तरीके का। जब आप विश्व का मैप अपने सामने रखेंगे, विश्व मैप जरूर रखें दोस्तों अपने सामने, जब आप खबरें पढ़ रहे हो, ऐसा एक नक्शा आपको दिखाई देगा। जिबूती यहां पर स्थित है और यहीं पर सोमालिया स्थित है दोस्तों, पास में। तो इस क्षेत्र में चीन द्वारा अपना नौसैनिक अड्डा जो है वो स्थापित किया गया है। यह चीन का पहला नौसैनिक अड्डा है जिबूती। इस खबर को पढ़ लेते हैं। जिबूती आधिकारिक तौर पर जिबूती गणराज्य अफ्रीका के पूर्वोत्तर में स्थित एक देश है। अफ्रीका के पूर्वोत्तर में स्थित एक देश है। इसके उत्तर में इरिट्रिया, पश्चिम में और दक्षिण में इथोपिया और दक्षिण पूर्व में सोमालिया स्थित है। 1 अगस्त 2017 को चीन ने अपनी सेना की स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पर जिबूती में अपना पहला सामरिक नौसैनिक अड्डा जो है ये स्थापित किया है। सामरिक नौसैनिक अड्डा दोस्तों, सामरिक मैंने आपको बताया है कि युद्ध के लिए, जब भी कोई युद्ध के लिए बात आती है तो उसमें सामरिक शब्द आता है। समर का मतलब होता है युद्ध। तो सामरिक नौसैनिक अड्डे की स्थापना की घोषणा जो है की गई है चीन के द्वारा और यह अड्डा स्थापित किया गया है जिबूती में। आप इसे नाम देखेंगे तो डी से शुरू होता है यह, जिबूती, ठीक है। जिबूती में चीन की उपस्थिति के दो मुख्य कारण हम देख सकते हैं दोस्तों। पहला मुख्य कारण है कि पूर्व में स्थित सोमालिया जो चीनी व्यापार के लिए हितकारी नहीं रहा है अब तक, ऐसी स्थिति में चीन जो है सोमालिया को रणनीतिक रूप से नियंत्रित करना चाहता है, बाध्य करना चाहता है। दूसरा, जो स्वेज नहर है, यह स्वेज नहर के निकट है, तो स्वेज नहर के निकट होने से एक तो व्यापारिक लाभ चीन को होगा, दूसरा यह यहां से स्वेज नहर दोस्तों आप देखेंगे इस स्थान पर आपको स्वेज नहर दिखाई देगी यहां पर सॉरी। तो दोस्तों, इस स्वेज नहर का जो ये स्थान है, इस स्थान से विश्व व्यापार का यह एक मुख्य गेट स्वेज नहर। ऐसे में अगर चीन का यहां पर नियंत्रण हो जाता है तो चीन के लिए व्यापारिक रूप से यह काफी लाभदायक होगा। दोस्तों, एक और ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत के भी कुल 6 विदेशी सामरिक नौसैनिक अड्डे हैं। एक है तजाकिस्तान में, दूसरा भूटान, तीसरा मेडागास्कर दोस्तों जो हमारा हिंद महासागर है उसमें स्थित है, मालदीव भी हिंद महासागर में है, मॉरिशस एक छोटा सा देश है और सेशेल्स ये भी एक छोटा सा देश है। इन जगहों पर हमारे जो है नौसैनिक अड्डे स्थापित है। तो दोस्तों, चीन जो है ये हमेशा से पूरा अफ्रीका जो हम देखते हैं, अफ्रीका महादेश, इस पूरे अफ्रीका का जो कॉन्टिनेंट है यहां पर अपना आधिपत्य, अपना विस्तार कर रहा है, क्योंकि यहाँ के देश विकसित नहीं है और चीन यहां से अधिक लाभ जो है कमा सकता है। इसी एक रणनीति के तहत उसने जिबूती में अपना जो है नौसैनिक अड्डा स्थापित किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। लोकसभा द्वारा पारित निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा संशोधन विधेयक 2017 के तहत
निर्धारित न्यूनतम योग्यता प्राप्त करने की समय सीमा तय की गई है। दोस्तों पहले आपको बता दूं कि यह क्या है। इसमें मुख्य बात यह है कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा संशोधन अधिनियम जो है वो 2009 में पारित किया गया था। ये देखिए आप, 2009 में पारित किया गया था। और जो शिक्षक होते हैं, आरंभ में जब इस अधिनियम को पारित किया गया था तो शिक्षकों से यह अपेक्षा की गई थी कि वे 2015 तक, वर्ष 2015 तक जो बच्चों को पढ़ाने की आवश्यक योग्यता है वह हासिल कर लें। लेकिन अब इसका समय बढ़ाकर 2019 तक कर दिया गया है। यही इसकी मुख्य खबर है दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा संशोधन विधेयक जो है ये 2017 को पारित किया गया है। 1 अगस्त 2017 को लोकसभा द्वारा ये पारित कर दिया गया है। और इसके तहत, इस संशोधन विधेयक के तहत बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 के अधिकारों में संशोधन पर शिक्षकों को निर्धारित न्यूनतम योग्यता प्राप्त करने की नई समय सीमा जो है वह वर्ष 2019 तय कर दी गई है। हमें ध्यान देना चाहिए कि इस संशोधित अधिनियम की धारा 23(2) में निर्दिष्ट है कि इस कानून के प्रारंभ में प्राथमिक स्तर पर सभी शिक्षकों के पास न्यूनतम योग्यता नहीं है। इन्हें मार्च 2015 तक 5 वर्ष की अवधि के भीतर यह योग्यता हासिल करनी थी। लेकिन अब हो सकता है कि कुछ शिक्षकों ने जो है योग्यता हासिल ना कर पाई हो, तो इसीलिए 2019 तक इसका समय बढ़ा दिया गया है। तो 2019 तक यह, दोस्तों आप ध्यान रखें कि यह जो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का जो अधिनियम है यह 2009 में पारित किया गया है, लेकिन जो 86वां संविधान संशोधन है वह पूर्व में ही पारित कर दिया गया है। इसके अंतर्गत प्रत्येक बच्चे को 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है देश में। इसे जो जीवन का मूल अधिकार है 21 अनुच्छेद 21 संविधान का, उसमें 21(का) के तहत शिक्षा के मूल अधिकार को जो है रखा गया है दोस्तों। तो यह एक महत्वपूर्ण बात है, याद रखें, यह एग्जाम्स में पूछा जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों। साहिद खाकन अब्बासी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में चयनित हुए किया गया है। ये 18वें प्रधानमंत्री जो है बने हैं साहिद खाकन अब्बासी। दोस्तों एक घोटाले की बात सामने आई थी कुछ दिनों पहले, पनामा पेपर्स। दोस्तों एक कंपनी है पनामा में, पनामा जो देश है, उत्तर अमेरिका का यह देश है पनामा, और पनामा नहर भी आपने सुना होगा। तो यहां पर एक कंपनी काम करती थी जिस कंपनी के द्वारा कई लोगों के काले धन को सफेद किया गया, विदेशों में काले धन को सफेद किया गया। और इसमें कई भारतीयों का भी नाम आया, इसमें कई विदेशियों का भी नाम आया। अभी भी इसमें रिसर्च चल रही है, कई हजार 10,000 के लगभग इसके पेपर्स हैं। इसे पनामा पेपर्स लीक के नाम से जाना जाता है। इसी पनामा पेपर लीक के जो मुद्दा है, इस मुद्दे में जो है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री कहना चाहिए, नवाज शरीफ का नाम आ गया। और जब नवाज शरीफ का नाम इसमें आया तो वहां का जो सुप्रीम कोर्ट है पाकिस्तान का, उन्हें सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपदस्थ कर दिया गया। और अपदस्थ कर दिए जाने के बाद जो साहिद खाकन अब्बासी हैं, इनको 18वें प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। तो यह खबर पूरी पढ़ते हैं। 1 अगस्त 2017 को पाकिस्तान के पेट्रोलियम मंत्री साहिद खाकन अब्बासी को पाकिस्तान के 18वें प्रधानमंत्री के रूप में चयनित किया गया है। साहिद खाकन अब्बासी सत्तारूढ़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सदस्य हैं। वह पनामा पत्रों के घोटाले के कारण पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपदस्थ प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का स्थान ग्रहण करेंगे। तो साहिद खाकन अब्बासी जो हैं, इनके आने से माना जा रहा है कि बहुत सारी पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है उसमें भी चेंज आएगा। नवाज शरीफ काफी लंबे समय से एक फेमस प्रधानमंत्री रहे हैं, इनके स्थान पर रिप्लेस अगर साहिद खाकन अब्बासी को किया गया है तो दोस्तों आप ध्यान रखिए, यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यह पूछा जा सकता है। MPPSC, MPSI, कॉन्स्टेबल, सभी जगह यह क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं। केंद्र सरकार द्वारा किसानों को अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंच दिलाने के लिए प्रारंभ नए ई पोर्टल का नाम क्या है? दोस्तों इस ई पोर्टल का नाम है ई रकम। दोस्तों ई रकम के तहत क्या होगा? 1 अगस्त 2017 को केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा किसानों ने
कृषि उत्पाद बेचने के लिए एक मंच प्रदान करने के क्रम में ई रकम पोर्टल का शुभारंभ किया है। यह ई पोर्टल प्रौद्योगिकी के माध्यम से छोटे गांवों के किसानों को इंटरनेट सुविधा के द्वारा दुनिया के सबसे बड़े बाजार तक पहुंच उपलब्ध कराएगा। हमें ध्यान देना चाहिए कि ई रकम एक डिजिटल पहल है जिसके तहत कृषि उत्पादों की बिक्री और खरीद दोस्तों कम नहीं है, बढ़ाने के लिए होना चाहिए, ठीक है, कि एक मंच पर किसानों, पीएसयू, नागरिक आपूर्ति और खरीददारों को एक साथ लाने का प्रयास किया गया है। दोस्तों क्या होता है कि हमारे देश में अगर हम इसके पीछे की पृष्ठभूमि को समझने की कोशिश करें कि ई रकम पोर्टल क्यों लाया गया है, यह पोर्टल आप याद रखें कि ई रकम पोर्टल लाया गया है। हमारे देश में कृषि का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आधारभूत संरचना है, रोड है, ये सब रोड जो है ये बहुत ज्यादा डेवलप नहीं है, और रोड्स के बहुत ज्यादा डेवलप ना हो पाने के कारण जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां से माल को या जो कृषि उपज है उसको लेकर आना बड़े शहरों तक, बड़े खरीदारों तक बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे में अगर कोई बड़ी कंपनी जाकर उसी किसान के क्षेत्र से इस अनाज को उठा ले या वहीं से इसकी खरीद कर ले तो ऐसे में किसानों को बहुत अधिक लाभ होता है, और इसीलिए किसानों का डायरेक्ट जो है बड़ी बड़ी कंपनियों जैसे पीएसयूज और भी नागरिक आपूर्ति कंपनियों, ठीक है, और बड़े खरीदारों जैसे कि आईटीसी, जो आपके फूड प्रोडक्ट्स आते हैं जितने भी बिस्किट वगैरह, तो यहाँ भी कृषि उत्पादों की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पर इसको इसके द्वारा जो है आधारभूत संरचना प्रोवाइड करने का काम किया जा रहा है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, यह एमपीपीएससी मेंस के लिए भी लाभदायक है। मैंने आपको हमेशा बताया है कि उदाहरण हमेशा लिखें, उदाहरण से आपके नंबर बढ़ेंगे। तो इसे बिल्कुल कृषि के पोर्शन में अपने जो आपने बनाया हुआ होगा एमपीपीएससी का उसमें नोट कर लें, यूपीएससी में नोट कर लें, तथा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के लिए ध्यान रखें कि यह ई रकम पोर्टल है। दोस्तों केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा गठित विशेष समिति जो डेटा संरक्षण मुद्दों पर अध्ययन और पहचान कार्य करेगी, दोस्तों यह समिति है बी न्यायमूर्ति बी एन कृष्णन समिति। दोस्तों यह सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रहे हैं और रिटायरमेंट के बाद मुख्यतः किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में ही जो है समिति का गठन किया जाता है, विशेष एक्सपर्ट समिति का। देखते हैं, इस खबर को पढ़ते हैं पूरा। 1 अगस्त 2017 को केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने डेटा संरक्षण मुद्दों पर अध्ययन और उन्हें संबोधित करने के तरीकों की सिफारिश करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस 10 सदस्यीय समिति का नेतृत्व सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति बी एन कृष्णन करेंगे। हमें ध्यान देना चाहिए कि सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की यह समिति का गठन भारतीय नागरिकों के आधार कार्ड से संबंधित है। दोस्तों आधार कार्ड, दोस्तों आधार कार्ड के साथ ही मुद्दा आया था अभी कि प्राइवेसी का। सरकार इतनी मात्रा में आधार कार्ड बना रही है, उसमें लोगों का डेटा जो है वो जा रहा है। लोगों का डेटा मतलब आपका आयरिस स्कैन जा रहा है, आपके फिंगरप्रिंट्स जा रहे हैं, आपकी फोटो जा रही है, आपकी पर्सनल जानकारी जा रही है, और यह डेटा पूरा का पूरा इंटरनेट पर अवेलेबल कर दिया गया है। अब UIDAI के पास यह डेटा है। तो दोस्तों आज के युग में अगर टेक्नोलॉजी विकसित हो गई है, उसके लाभ है तो उसके नुकसान भी है, और नुकसान के तहत जो है आजकल हैकर्स की समस्या बहुत बढ़ गई है। अगर एक छोटी सी भूल भी किसी संस्था द्वारा हो जाए और यह पूरा का पूरा डेटा किसी विदेशी शक्ति के हाथ में चला जाए तो यह भारत के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है, या भारतीय लोगों की प्राइवेसी के लिए यह बहुत हानिकारक हो सकता है। इसीलिए दोस्तों आवश्यक है कि इसकी डाटा की प्रोटेक्शन कैसे की जाए, क्या यह लोगों के मूल अधिकार है। तो इसी पर रिसर्च करने के लिए केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा विशेष समिति गठित की गई है जो डेटा संरक्षण मुद्दों पर कार्य करेगी। यह बी एन कृष्णन समिति कहलाएगी। तो धन्यवाद दोस्तों, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को लगातार करंट अफेयर्स की न्यूज पाने के लिए। साथ ही बहुत अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट वीडियोस हम परीक्षा की दृष्टि से बना रहे हैं। हमारा फोकस MPSI, MP कांस्टेबल, MPPSC, UPSC जैसे सभी GS रिलेटेड एग्जाम्स हैं, और हम जल्द ही कोशिश कर रहे हैं कि आपको और भी जो है अन्य सेक्टर्स में यह सुविधा प्रदान करें। तो दोस्तों अगर आप WhatsApp से हमारे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे जो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए होते हैं, आयुष सर और मेरा नंबर,
आप उस पर मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप हमारे वेबसाइट पर जाकर विभिन्न जो है लाभ उठा सकते हैं, जहां पर आपको पीडीएफ मिलेगी इन करेंट अफेयर्स की, इसके बाद आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी। ये सभी चीजें आपको हमारी वेबसाइट theadministrator.academy.com पर मिलेगी, यहां जाकर आप इन सब का सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों।